Hello children, how are you all? I hope you all are fine and safe. Today we are going to study subject English, class 5th, lesson 10, Haldi's Adventure. Haldi's Adventure means Haldi ka romance. One morning as Haldi walked to school, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. One morning as Haldi walked to school, एक दिन सुबह पाठशाला जाते समय हल्दी एक जिराफ से मिली. द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. उस जिराफ ने बड़े चश्मे पहन रखे थे और उसने हाथों में किताब पकड़ रखी थी. ही स्माइल्ड एंड सेड, गुड मॉर्निंग हल्दी. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. आई एम सॉरी टू स्टेयर, शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. ही स्माइल्ड एंड सेड, गुड मॉर्निंग हल्दी. वह मुस्कुराया और बोला, सुप्रभात हल्दी. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. हल्दी ने उसे देखा. आई एम सॉरी टू स्टेयर, शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. उसने कहा कि तुम्हें घूरने के लिए मुझे माफ़ करना, पर मैं आज तक तुम्हारे जैसे जिराफ से नहीं मिली हूँ. माई नेम इज़ स्माइली, सेड द जिराफ. जिराफ ने कहा, मेरा नाम स्माइली है. व्हेनेवर यू सी मी यू विल स्माइल. हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू. जब भी तुम मुझे देखोगी तुम मुस्कुराओगी. हल्दी अचंभित और खुश हुई. देन शी रिमेंबर्ड दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल. उसे याद आया कि शाला के लिए देर हो जाएगी. शी वुड बी लेट फॉर स्कूल. सो शी सेड टू द जिराफ. इसलिए उसने जिराफ से कहा, मुझे तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगेगा. आई वुड लव टू टॉक टू यू, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट. पर अभी मुझे पाठशाला जाना है वरना मुझे देरी हो जाएगी. द जिराफ सेड, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट डैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. जिराफ बोला, अगर तुम मेरे पीठ पर सवारी करोगे तो तुम्हें देरी नहीं होगी. If you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school. Do you go to school every day? तुम मेरे पीठ पर बैठोगी तो मैं बहुत तेज दौड़ूंगा. तुम्हें लगेगा जैसे तुम हवा में उड़ रही हो. क्या तुम रोज पाठशाला जाती हो? Yes, said Haldi. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesday, Thursday and Friday. On Saturday, I play games at school. हाँ, हल्दी ने कहा, मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाला जाती हूँ और शनिवार को शाला में मैं खेल खेलती हूँ. What do you in school? Asked the giraffe. जिराफ ने पूछा, तुम शाला में क्या करती हो? आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. जिराफ ने पूछा, तुम वहाँ शाला में क्या करती हो? हल्दी ने कहा, मैं वहाँ तारे, पेड़, पक्षी, जानवर के बारे में पढ़ती हूँ. दैट इज गुड, सेड द जिराफ. आई लव बुक्स टू, दे आर लॉट्स ऑफ फन. Now jump on my back. I will take you to school. बहुत बढ़िया, जिराफ बोला, मुझे भी पुस्तकें अच्छी लगती है. उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. चलो मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें शाला ले जाता हूँ. हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक एंड found that she could see so many things from the top.
हल्दी ने जिराफ की पीठ पर छलांग लगाई और देखा कि इतनी ऊंचाई से वह बहुत सारी चीज़ें देख रही है। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड। इससे पहले कि उसे पता चला, वह अपने शाला के खेल के मैदान में पहुंच गई। शी क्लाइम्ड डाउन व्हेन शी टर्न्ड बैक टू थैंक द जिराफ शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। जब इससे पहले कि उसे पता चलता कि वह अपने शाला के खेल के मैदान में पहुंच गई है, वह उतरी और वह जिराफ को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी तो देखा कि जिराफ वहां से जा चुका था। ओ हल्दी थॉट, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। हल्दी ने सोचा, आज मैंने कितना अच्छा रोमांच किया है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन हल्दीज एडवेंचर पढ़ा। चलिए उसमें आए कुछ न्यू वर्ड्स उसे हम पढ़ते हैं। सरप्राइज्ड, आश्चर्य। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्य। एडवेंचर, रोमांचक काम। वंडरफुल मीन्स अनोखा। स्टार्स मीन्स तारे। व्हेनेवर मीन्स जिस समय भी। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर न्यू वर्ड्स नेक्स्ट वी विल स्टडी रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। लेसन से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हैं, चलिए उसे देखते हैं। फर्स्ट, राइट द नेम्स हुज पिक्चर इज गिवन बिलो। दो पिक्चर दी हुई है, उसमें नाम लिखना है। तो पहली पिक्चर किसकी है? एक गर्ल की। इस लेसन में उस गर्ल का क्या नाम था? हाँ, हल्दी। सेकंड पिक्चर है जिराफ की। उस जिराफ का क्या नाम था? इस लेसन में हमने जो पढ़ा है, स्माइली। सेकंड, कंप्लीट द डायलॉग। जिराफ और हल्दी के जो डायलॉग है इस लेसन में, उसे लिखना है। व्हाट डू यू डू इन स्कूल? जिराफ हल्दी से पूछता है, हल्दी आंसर देती है, आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। थर्ड है, राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दिए हुए स्टेटमेंट जो है सही है या गलत, उसे बताना है। पहला है, द जिराफ हैड अ बुक इन हिज हैंड। ट्रू की फॉल्स क्या होगा स्टूडेंट, ये बताइए। ट्रू। सेकेंड, हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू मीट स्माइली। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू, सही है। हल्दी रीच्ड द प्ले ग्राउंड क्विकली। हल्दी खेल के मैदान में बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। द जिराफ टुक द गर्ल टू स्कूल ऑन हीज बैक। ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। द जिराफ अटेंडेड द स्कूल विथ हर। जिराफ हल्दी के साथ स्कूल अटेंड करता है। ट्रू की फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज हल्दी गोइंग। हल्दी कहाँ जा रही थी? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। फिफ्थ वन, होम डिड शी मेट ऑन द वे। रास्ते में हल्दी किससे मिलती है? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? हाँ, शी मेट अ जिराफ ऑन द वे। रास्ते में वह एक जिराफ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, व्हाई वाज द नेम ऑफ द जिराफ स्माइली। आंसर क्या होगा इसका? द जिराफ्स नेम वाज स्माइली बिकॉज व्हेनेवर हल्दी वुड सी इट शी वुड स्माइल। जिराफ का नाम स्माइली इसलिए था क्योंकि जब भी हल्दी उसे देखे वह मुस्कुराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन, डज स्माइली लव बुक्स। क्या स्माइली बुक्स पसंद करता है? यस। आंसर क्या होगा? यस, स्माइली लव बुक्स।
नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, हु सेड दिस, आई एम सॉरी टू स्टेयर, यह वाक्य किसने कहा? हल्दी ने कहा, मुझे घूरने के लिए माफ़ कीजिए, किसने कहा? हल्दी ने कहा। बी, वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, यह वाक्य किसने कहा? स्माइली ने कहा। स्माइली कौन है? द जिराफ। नेक्स्ट सी वन, आई लव बुक्स टू, मुझे बुक्स बहुत पसंद है, यह किसने कहा? स्माइली ने कहा। हु इज स्माइली? द जिराफ। सो चिल्ड्रन, सम होमवर्क फॉर यू, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवेन इन द हेल्प बॉक्स, कुछ वर्ड्स हेल्प बॉक्स में दिए हैं, आप उसकी सहायता से होमवर्क कीजिए, जैसे एडवेंचर, स्टार्स, सरप्राइज्ड, वंडरफुल, स्टेयर, व्हेनेवर। फर्स्ट, इट इज़ अ बैड हैबिट टू डैश एट समबडी। सेकेंड, माउंटेन क्लाइंबिंग इज एन डैश फॉर मैनी पीपल। थर्ड, आई ट्रैवल्ड इन एन एरोप्लेन, इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस। फोर्थ, मोहित हैड हेल्प्ड मी डैश आई आस्क्ड हिम। फिफ्थ, निधि राइट्स विद बोथ हैंड्स, आई वॉज डैश टू सी डैट। सिक्स्थ, द स्काई वॉज क्लियर एंड द डैश वर ट्विंकलिंग। सो चिल्ड्रन, ये आपके लिए होमवर्क है, अपने पेरेंट्स की सहायता से इसे कीजिए। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, थैंक यू।